तो की हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बेस्ट अकाउंट साबित हो सकता है। इस अकाउंट को दोस्तों आप जो है घर बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको जो है 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा आपको जो है इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करना होता है। आपको जो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री में आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आप जो है फोन पे गूगल पे में इस अकाउंट को लिंक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको जो है इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करना है। यह जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इस अकाउंट में आपको जो है अप टू 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल आप जो फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो आप जो है इस अकाउंट को गूगल पे फोन पे में सभी जगह लिंक कर पाएंगे और आप जो है गूगल पे फोन पे का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है लेट्स गेट स्टार्टेड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टेट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टेट है, इसी स्टेट में आप जो है इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम जो है छत्तीसगढ़ को चूज कर लेते हैं। जिस स्टेट में आपको अकाउंट ओपन करना है उसे आपको चूज करना है और जिस लोकेशन में आपको अकाउंट ओपन करना है उसे चूज करना है और जो भी ब्रांच अवेलेबल होगा उस लोकेशन में उस ब्रांच को चूज करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे वही मोबाइल नंबर जो है आपका आधार कार्ड में रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप जो है इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो है इसका टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन है जेनरेट आधार ओटीपी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर डालना है। अगर ओटीपी नहीं गया है तो देख सकते हैं एक ऑप्शन है रीजेनरेट का, इसके ऊपर आप क्लिक करके दोबारा ओटीपी को जेनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड से डिटेल को फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो भी आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई पिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई पिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आई एग्री का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है मदर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है और यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है जो आपके पास अभी जो है ईमेल आईडी एक्टिव हो यानी चालू हो। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है, आप सिंगल है मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं
तो आपके पास इस तरह का लिस्ट ओपन हो जाएगा। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईयरली इनकम चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अभी नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इसे बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा, जो आपके पास वर्चुअल कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर आप क्या नाम रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर डाल देना है। जैसे अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी शो करेगा और यहाँ पर आपका ब्रांच का आईएफएससी कोड शो करेगा और नीचे आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड शो करेगा जिसमें आपका जो है सभी कार्ड का डिटेल्स होता है, जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और एक्सपायरी डेट। इसका यूज करके दोस्तों आप जो है गूगल पे में यूपीआई पिन बना सकते हैं। ये दोस्तों जो आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड मिला है इसे दोस्तों आप जो है किसी दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में किसी से पैसा मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है इस अकाउंट का डिटेल्स किसी दूसरे को दे सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको जो है इक्विटास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आप जो है इक्विटास का मोबाइल बैंकिंग में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल पे और फोन पे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको जो है गूगल पे और फोन पे को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद जो है आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। बैंक अकाउंट में आपको जो है सर्च करना है इक्विटास बैंक, तो दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है उस बैंक को आप जो है ऐड कर लीजिएगा और वहां पर आपको जो है यूपीआई पिन बना लेना है जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला है उसका यूज करके। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।